अगर आप सीनियर संपादक है तो मैं भी देश का एक सीनियर नेता हूँ। बिल्कुल, इसमें इस तरह की हल्की बात करेंगे तो मुझे आपसे नमस्ते करना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं रवि जी, मैं उस पर भी बात कर आपने उनसे पूछूंगा, लेकिन आप इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। समर्थक, ये चैनल किसी का समर्थक नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सब नहीं, सुन लीजिए पहले। नहीं नहीं, भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया में ऐसे कुछ ही एंकर हैं जो सत्ता से सीधे सवाल करते हैं। आज हम बात रहे हैं ऐसे ही सीनियर पत्रकार अजीत अंजन की। अजीत अंजन पहले ही बड़े चैनलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। आज उनकी कुछ डिबेट सिखाएंगे जिसमें अजीत अंजन के सवालों से बीजेपी नेता डिबेट छोड़कर चले गए हैं। TV9 भारतवर्ष पर अजीत अंजन ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में अजीत अंजन ने रविशंकर जी से जो चीज चुनावी मैनिफेस्टो में छूट गई इस पर सवाल किया, पर रविशंकर ने इस जवाब देने से मना कर दिया और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। अजीत अंजुम जी, कि हमारे इतने बड़े मैनिफेस्टो में अभी तक आपने भारत की बुनियाद का एक सवाल नहीं पूछा। उस पर भी आएंगे, मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ। नहीं नहीं, आप तीन बार पड़े हुए हैं रवि जी। मैं क्यों रहूँ आपके कार्यक्रम? नहीं नहीं रहूंगा। रविशंकर जी, मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए, अगर आप मुझे तरीके से बात करेंगे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी, मैं अजीत अंजुम, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। अगर आप सीनियर संपादक है तो मैं भी देश का एक सीनियर नेता हूँ। बिल्कुल, इसमें इस तरह की हल्की बात करेंगे तो मुझे आपसे नमस्ते करना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं रवि जी, मैं उस पर भी बात, रवि जी मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे, रविशंकर जी। रविशंकर जी, मैं उस पर बात भी कर रहा हूँ। उनको बच्चा तरफ रोकता था। रविशंकर जी नाराज हो गए, और क्योंकि हमने मैनिफेस्टो की बात की, हालांकि मैं उनसे बाकी मुद्दों पर भी बात करता, लेकिन रवि जी मैं बाकी चीजों पर भी बात करना चाहता हूँ। रविशंकर जी, मैं बाकी मुद्दों पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ शुरू वहां से किया, बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे कि कुछ मुद्दे थे जो इसमें नहीं है, इसलिए हमने पूछा। TV9 भारतवर्ष पर ही अली और बजरंग बली के मुद्दे पर डिबेट में अजीत अंजन ने बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से सवाल किए। अपने जवाब में बीजेपी नेता विपक्ष पर उंगली उठाने लगे, जिस बात पर अजीत अंजन ने उन्हें टोक दिया। लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। अभी बिल्कुल ये आपके हिसाब से कभी बीजेपी ने नहीं किया। नहीं, क्या बात, हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगी है। पूरे पूरे हिंदुत्व की नुमाइंदगी करते हुए यात्राएं निकालते हैं। इसमें कैसे धर्म नहीं है? इसमें आपने उनसे पूछूंगा, लेकिन आप इनसे पूछता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें अली मुबारक, हमें बजरंग बली, तो ये धर्म नहीं आया। ये धर्म नहीं आया, आप कह रहे हैं इसमें धर्म नहीं है, सीधा है। धर्म के नाम पे वोट नहीं है। नहीं है, ये किस नाम पे वोट नहीं है? किस नाम पे है? बजरंग बली किसके देवता? बजरंग बली किसके देवता? बजरंग बली किसके देवता? बजरंग बली की पूजा कौन करता है? क्या ईसाई करते हैं? मुस्लिम करते हैं? कौन करता है? TV9 भारतवर्ष पर अजीत अंजन ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में अजीत अंजन ने हेमंत करकरे पर तीखे सवाल किए, जिस पर साध्वी प्रज्ञा ने कोई जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि हेमंत करकरे को पूरा देश शहीद के तौर पर जानता है, उनको अशोक चक्र मिला और उनके सीने पर आतंकियों की गोलियां लगी, पाकिस्तान से कसाब और उसके साथी आए थे, और उन हेमंत करकरे के लिए आपने जिस तरह की बात कही, आपने कह दिया उनको, आपने श्राप दिया था, आपने कहा उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए प्रश्न समाज से करिए, प्रश्न इन कांग्रेसियों से करिए, और ये समाज, ये राष्ट्र, ये जनता उनको उत्तर देगी। आप उस समय का इंतजार करिए। ये सही है प्रज्ञा सिंह, अगर आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ, ऐसी बात हुई, तो आपको अदालत में जाना चाहिए था। आप कोर्ट में अपनी बात कहती, देश में प्रधानमंत्री मोदी आपके शुभचिंतक हैं, राजनाथ सिंह आपके शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र सरकार आपके शुभचिंतक हैं, आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं। TV9 भारतवर्ष पर चुनावी रैली में सेना का जिक्र आने पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अजीत अंजन ने बीजेपी नेता से प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल किए।
अपने जवाब में बीजेपी नेता ने अजीत और उनके चैनल को कांग्रेसी बताया, जिस पर वह बीजेपी नेता पर भड़क उठे। केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि आर्मी जो है मोदी जी की है, कांग्रेस का वो भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, 5 मिनट तक आपने बात कही, आप इस तरह के इल्जाम मत लगाइए समर्थक। ये चैनल किसी का समर्थक नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा सब सब नहीं सुन लीजिए पहले नहीं नहीं सारे सारे बराबर नहीं तो आरोप फिर आप ऐसे चैनल तलाशिए, आप ऐसे चैनल तलाशिए जहां अपना भाषण दीजिए और उसके बाद अपनी ऐसी बात करिए जो आप जो आपके चैनल को सुन नहीं है। गलत आरोप मत लगाइए, आप गलत आरोप लगाकर नहीं जा सकते। प्रेम शुक्ला गलत आरोप नहीं लगा सकते, अजीत भाई में कोई तलाश में नहीं है। नहीं नहीं तो गलत किया था तो गलत आरोप मत लगाइए, बिल्कुल आप मेरे मेहमान है लेकिन नहीं लेकिन गलत आरोप प्रेम शुक्ला नहीं लगा सकते, ये लगना नहीं है। आक्रोश नहीं हो रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। TV9 भारतवर्ष पर इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर अजीत अंजुम ने बीजेपी नेता से सवाल किए, अपने जवाब में वे बात को इधर उधर घुमाते दिखे, जिससे अजीत अंजुम ने उन्हें मुद्दे से भटकने पर टोका। यही बात तो कही है कि एक मजबूत नेतृत्व तो जिसने कहा मेरी सेना अपना एहसास, जिस एहसास को दबा के रखा गया, जिस मजबूती को दबा के रखा गया, जिनके पराक्रम को दबा के रखा गया, उनकी कभी भी उल्लेख नहीं किया गया कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी मजबूत है। अगर ये बात कही जा रही है कि अगर जिन बातों की वजह से बाधा बनी हुई थी, राजीव जेटली अब विषय को भटका रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है सर कि अगर मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की बात कर रहा हूं। अगर चुनाव आयोग ने कहा तो उसके बाद भी उन निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, चाहे कोई भी करे, चाहे नेता करे, मंत्री करे, बजरंग बली को बोल के करे, चाहे मोदी की सेना बोल के करे, जो भी मेनका गांधी ने बोला है, फिर कल जिस ढंग से मुसलमानों की बात की। मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं, क्या यह नैतिक दायित्व सत्ताधारी दल या किसी भी दल का नहीं है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करे? छोटा सा जवाब दीजिए, बाकी लोगों से फिर समझूंगा। राजीव जेटली, दायित्व है या नहीं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, चुनाव आयोग देख रहा होगा। तो आपने देखा कि किस तरह अजीत अंजुम के तीखे सवालों ने बीजेपी नेताओं को परेशान कर दिया। हम यही उम्मीद करेंगे कि बाकी एंकर भी इसी तरह बीजेपी नेताओं से सवाल करेंगे और जनता की परेशानियों को उनके सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।